एनिमल किंगडम की इस दुनिया में हैरतअंगेज जीव पाए जाते हैं। इन जीवों की बनावट किसी को भी हैरान कर सकती है। आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसी जीव से जो अपनी रक्षा के लिए अनोखे तरीके अपनाता है और इसका शिकार करने में शेर के भी पसीने छूट जाते हैं। चलिए जानते हैं इस जीव के बारे में डिस्कवर वर्ल्ड में। विश्व के विभिन्न विचित्र जानवरों में से पेंगुलिन भी एक है। पेंगुलिन का अर्थ एक ऐसे प्राणी से है जो खतरे का आभास होते ही गेंद की तरह गोल हो जाता है। पेंगुलिन की अभी तक ज्ञात सिर्फ 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 4 एशिया जबकि 4 अफ्रीका में मौजूद हैं। पेंगुलिन का वजन लगभग 3 किलो और लंबाई लगभग 3 फीट होती है। अब तक सबसे बड़ा भारतीय पेंगुलिन जिसका वजन 32 किलो और लंबाई 170 सेंटीमीटर है। ये जीव अधिकतर रात को ही की तलाश में निकलते हैं। इनके खाने में चींटियां और दीमक होती हैं, जिन्हें ये अपनी लंबी जुबान की मदद से हजारों की तादाद में चट कर जाते हैं। इनके शरीर पर मजबूत सेल की परत मौजूद होती है जो केराटिन की बनी होती है, जिससे हमारे बाल व नाखून भी बने होते हैं। पेंगुलिन के दांत नहीं होते, जिससे भोजन को तोड़ने का काम पेट में ही होता है। ये भोजन के साथ कंकड़ भी निगल जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। इनकी आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन सूंघने की क्षमता काफी बेहतर होती है। पेंगुलिन अपने बचाव के लिए पेड़ पर भी चढ़ सकता है। नुकीले पंजों की मदद से ये पेड़ पर चढ़ जाता है और इन्हीं पंजों की मदद से चींटियों और दीमक को खोदकर निकालता है। ये पेड़ पर या अंडरग्राउंड बने होल में रहते हैं और खतरा होने पर अपने शरीर को गेंद के आकार में समेट लेते हैं। इनके शरीर पर उपस्थित मौजूद सेल से खुद की आत्मरक्षा करता है, जिससे ये बाकी जानवरों टाइगर अजगर और शेर आदि से तो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन एक ऐसा लालची जानवर जिससे ये खुद को नहीं बचा पाता वो है हम इंसान, जिसकी वजह से इस खूबसूरत प्राणी की प्रजाति खतरे में है। शल्क और मीट के लिए इसका शिकार किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी इसी जानवर की होती है। दुनिया भर में कई देश में पेंगुलिन के शिकार पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मादा पेंगुलिन का गर्भकाल करीब 4.5 माह का होता है। गर्भावस्था के बाद माँ एक बच्चे को जन्म देती है। थोड़ा बड़ा होने पर ये अपनी माँ की पूंछ पर सवारी करता है। बच्चे की परवरिश मादा पेंगुलिन ही करती है। शिशु पेंगुलिन के शल्क सॉफ्ट होते हैं, वयस्क होने पर ये सख्त हो जाते हैं। पेंगुलिन का जीवन 10 से 20 साल का होता है और ये एक साल में लगभग 7 करोड़ चींटियों का शिकार करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी कमी के लिए कमेंट करके हमें जरूर बताएं।